वेलकम भाई लोग, फिर से एक बार आपका स्वागत है JPS Enterprises और अपने YouTube चैनल PC Setup India पे। कैसे हो? सब लोग ठीक ठाक? तबीयत सबकी अच्छी है ना? सब लोग बस खुशी से घर पे रहो, बाकी का जो टेक्निकल वर्क है, जो असेंबलिंग है, वो हम लोगों पे छोड़ दो। हम लोग बैठे हैं अच्छे से अच्छे बिल्ड देने के लिए, आपको अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट प्रोवाइड करने के लिए। गवर्नमेंट और करोना जी की मेहरबानी रही तो हर एक प्रोडक्ट आपके पास टाइम से पहुंचेगा, और लॉकडाउन नहीं लगा तो किसी भी प्रोडक्ट की आपको शॉर्टेज नहीं होने दी जाएगी, ये बिलीव करिए। और गाइस, आज अपने को एक बहुत ही अच्छा बिल्ट मिला है। ये अपने पास आया है गुजरात से, और ये कंपनी का बिल्ट है जिसका नाम है नवेक्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। ये PWD ऑफिस के पास में इंजीनियरिंग LD इंजीनियरिंग कॉलेज के पास कंपाउंड है, नौरंगापुरा अहमदाबाद गुजरात से। तो ये कंपनी के द्वारा एक बिल्ट हम लोगों को मांगा गया था, जिसकी कोटेशन हमने दी और उन्होंने फाइनलाइज़ की अपने वीडियो को देखते हुए कि हम लोगों के पास जो वैरायटी है जितने टाइप्स की, और जिस चीज़ को हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से पूरा करते हैं, टाइम से डिलीवरी, तो उसी का बेनिफिट मिला है आज की गुजरात से एक बिल्ट और शानदार कंपनी के लिए रेडी होने जा रहा है। बेसिक स्पेक्स आप देखना चाहते हो तो वो आपके सामने है। इसमें जो प्रोसेसर यूज़ किया है, सबसे पहले चलिए आज 1x1 टाइम है और सब चीज़ों को स्पेसिफाई किया जा सकता है, तो आपको देते भी हैं सारी नॉलेज और स्पेक्स के बारे में भी बताते हैं कि बंदे ने क्या क्या सेलेक्ट किया है। वैसे आपके सामने सब प्रोडक्ट रखे हैं, इतना तो आपको भी पता होगा कि क्या चीज़ क्या कर रही है, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं, वो हमारी जिम्मेदारी है। हमसे जिस तरीके से हमेशा पूछा जाता है कि 10900K और 10850K में किसको लिया जाए, तो हमेशा से मेरा एक ही सजेशन रहा है 10850K को, क्योंकि 100 MHz का सिर्फ डिफरेंस आता है, उसके अलावा कोर थ्रेड्स स्पीड 99.9% तक इक्वल है। पैसे का डिफरेंस नियर अबाउट 6000 रुपये तक आता है 1090K में और 10850K में। तो मैंने हमेशा कस्टमर के पैसे बचाने की कोशिश की है, तो इसलिए मैंने उसको सजेशन 10850 पे ही करता हूँ, क्योंकि दो पैसे बच जाएंगे तो वो किसी जगह अपना बजट और इंक्रीज़ कर सकता है। मदरबोर्ड आप देख रहे होंगे कि Z590 UDAC, ये अच्छी चीज़ है कि LGA 1200 सॉकेट में आप Z490 यूज़ करिए या Z590 यूज़ करिए, 10 जनरेशन का प्रोसेसर 11 जनरेशन के बोर्ड पे भी चलता है, कंपेटिबिलिटी इशू कुछ नहीं है, BIOS अपग्रेडेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, इन सब चीज़ों को देखते हुए 490 UDAC उन्होंने मांगा था, हमने बस इस जगह थोड़ा चेंज किया। हमने कहा सर अगर कोई भी इशू नहीं है, मैक्सिमम 1000-1500 रुपये का डिफरेंस आ रहा, तो Z590 UDAC पे जा सकते हो, ब्लूटूथ वाईफाई के साथ 11 जनरेशन का मदरबोर्ड हो जा रहा है, अपग्रेडेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इस तरीके के फीचर्स पे जाने में कोई बुराई नहीं। उन्होंने मेरी बात को पूरी तरीके से एग्री होते हुए इस बोर्ड के लिए हाँ बोल दी, तो हमने गीगाबाइट का Z590 UDAC बोर्ड को इस कॉन्फिग में अपने यूज़ किया है। एक तो कुछ डिफरेंट भी हो रहा है और लेटेस्ट चीज़ पर जा रहे हैं, तो उनके लिए भी बेटर है और हम लोगों को भी इसके फीचर समझने में आसानी रहेगी। उसके बाद XPG की आप ये देख सकते हो, ये RGB SSD होती है, M.2 NVMe S20G 500 GB की SSD है, जो काफ़ी बेटर परफॉर्म करती है, 2500 से 1800 MBPS इसकी रीड राइट स्पीड है, बहुत ज़्यादा तेज स्पीड तो नहीं है लेकिन ऑड भी नहीं है। RGB ऑप्शन इनको मस्ट था, उसमें इस तरीके की चीज़ पे उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया स्पीड को लेकर। तो सर ये आप लोगों की इच्छा है, जैसा आप बताओगे वैसा ही हम करते हैं। RGB ऑप्शन और स्पीड ऑप्शन दोनों एक साथ हो, कभी कभी ये दिक्कत हो जाती है, तो उस दिक्कत से बचने के लिए हम लोगों ने उनको दोनों ऑप्शन दिए, 970 EVO 980 Pro, लेकिन बजट और हार्ड ड्राइव को भी आगे उनका बढ़ाने का ऑप्शन है, तो उन्होंने RGB ऑप्शन पे जाना उचित समझा, इसलिए S20G उस कॉन्फिग में आई हुई है।
तो ये अपनी हो गई SSD। रैम में हम लोग आते हैं, रैम में फिर से आप देख सकते हो 16x2 का पेयर है, 3600 FSB की रैम है। कोर्सियर की प्रो वेंजेंस, प्रो मीन्स प्रोफेशनल हो जाता है। वेंजेंस सीरीज रिलायबिलिटी का सबसे बड़ा मानदंड है, 10 ईयर वारंटी के साथ आने वाली इकलौती रैम 3600 FSB पे है। RGB फ्यूजन दिया हुआ है। आप मदरबोर्ड पे इनके सॉफ्टवेयर का यूटिलाइजेशन करते हुए पूरे सिस्टम को एक साथ सिंक्रोनाइज कर सकते हो। ये रैम वो सुविधा आपको देती है। इस तरीके से ये रैम का कलेक्शन भी अच्छा है जो उन्होंने अपनी कॉन्फिग में रखा, तो इसे भी हम और नहीं कहेंगे, सही है भविष्य के हिसाब से। और आज के हिसाब से किसी भी सॉफ्टवेयर पर काम करते समय सोचने की ज़रूरत नहीं कि मेरी रैम में भी कहीं पर ड्रॉप हो रही है, इशू नहीं रहेगा। इसके बाद एक छोटा सा लिक्विड कूलर, चूँकि इसमें फ़ैन नहीं आते, के सीरीज़ के जितने भी प्रोसेसर होते हैं वो फ़ैन नहीं प्रोवाइड करते हैं। ये कंपनी की अपनी पॉलिसी है, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप कभी भी ओवरक्लॉक अगर करने जा रहे हो तो ऐसा मीडियम यूज़ करो जो ओवरक्लॉक के लिए कैपेबल हो। ओवरक्लॉक के लिए कैपेबल कैसे होगा? लिक्विड कूलर, वाटर कूलर, स्टॉक कूलर, ज़्यादा RPM वाले। तो इन्होंने 120mm का गेमेक्स का L120V2 जो RGB लिक्विड कूलर है इसको यूज़ किया है, जो बहुत अच्छी च्वाइस है। एक सिंगल फ़ैन पर होता है 120mg का का और RGB फ़ैन इसमें मिलता ही है। तो ये भी सिस्टम के साथ जब एक साथ कॉन्फिग किया जाएगा और सॉफ्टवेयर के थ्रू सिंक्रोनाइज किया जाएगा तो ये RGB पैटर्न पे एकदम प्रॉपर आ जाएगा। अब आते हैं पावर का ही सारा गेम सब जगह, इस सिस्टम में भी यही है। क्योंकि UD सीरीज जो होती है वो आपको पता होगा कि 24 पिन की मदरबोर्ड पे सप्लाई और 8 और 4 पिन की मदरबोर्ड पे MOSFET सप्लाई होती है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है। अगर नॉर्मल टाइम की बात होती, ये मदरबोर्ड यूज़ नहीं हो रहा होता तो शायद 650 में काम चल जाता, लेकिन वो जो सॉकेट चाहिए होता है उसके लिए ये 750 वाट के हम लोग फुली मॉडुलर SMPS यूज़ कर रहे हैं। फ़ायदा क्या है? जितने तार हैं उतने यूज़ करने हैं। फ्लैट तार होते हैं तो आपको केबल मैनेजर करने में बहुत मज़ा आता है। और इसमें अच्छी चीज़ क्या हो गई कि सभी कनेक्टर मिल जा रहे हैं, तो हम आगे 3070 पे भी अगर जाना चाहते हैं तो हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। 3080 एक बार इशू कर सकता है, उसका पावर कंजप्शन सिस्टम पे पूरा मिला के ज़्यादा चला जाता है, तो उसके लिए हम 750 सजेस्ट नहीं करते हैं। कम से कम 3060 और 3070 इन दोनों कार्डों के लिए ये सफिशेंट है। तो ये हो गई अपनी पावर सप्लाई जो पूरे सिस्टम को पावर देगी और बहुत ही परफेक्ट काम करेगी। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कैबिनेट जो यूज़ की गई है एनटेक की नहीं, एंट स्पोर्ट्स की i300TG। 3 फैन फ्रंट पे RGB, टफन ग्लास मैश, ऊपर मैग्नेटिक स्ट्रिप, लेकिन ये फ्रीडम आपको बस देते हैं 240 लिक्विड कूलर लगाने की। 360 लिक्विड कूलर इस कैबिनेट पे नहीं लग सकता है, इस कैबिनेट का ये ड्रॉबैक भी कह सकते हैं। लेकिन प्राइस रेंज के हिसाब से ठीक है, 4000 रुपये की रेंज में ये कैबिनेट अपने प्राइस रेंज को जस्टिफाई करती है। मैक्सिमम लोग 360 लिक्विड कूलर पे नहीं जाते हैं। एक टाइम था कि लोग लिक्विड कूलर ही नहीं जानते थे, लिक्विड कूलर पे जाने की तो बात ही छोड़ दीजिए। फिर 120mm पे हम लोगों ने काफ़ी टाइम वर्क किया, समझाया बुझाया, तब लोग 120mm पे जाना शुरू किए। आज ये स्थिति है कि 240, 280, 360 पे भी बातें होने लग गई हैं। तो ये अच्छा है, अपनी इंडस्ट्री ग्रोथ कर रही है, आप लोग नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हो, यही होना भी चाहिए। टेक्नोलॉजी बनती इसी के लिए कि आप अडॉप्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा अडॉप्ट करोगे तो उतने अच्छे से अच्छे परफॉर्मेंस मिलेंगे, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। तो इस तरीके से ये अपनी कैबिनेट का सिलेक्शन हो गया। उसके बाद इन्होंने कीबोर्ड जो है मैकेनिकल RGB में जेब्रोनिक्स का मैक्स प्लस यूज़ किया है। ये RGB मैकेनिकल कीबोर्ड है, ब्लू स्विचेस पर, अच्छा कीबोर्ड है। काम करते हुए आपको जो एक फीलिंग आती है ना, कच 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 कच, वो मैकेनिकल की सबसे मस्त परफॉर्मेंस के लिए यूज़ की जाती है। तो मैक्स प्लस कीबोर्ड इसलिए यूज़ कर लिया गया कि वो उस फील को एकदम अंदर तक लेना चाहते हैं।
ऑफिस का वर्क होता है, वैसे भी आप जानते होंगे कि ऑफिस के वर्क जहाँ पे 24 घंटे काम चल रहा, तो वहाँ पे इस चीज़ का ऑप्शन होता भी है कि नॉर्मल कीबोर्ड के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने थोड़ा सा अपने लिए और अच्छा कर लिया कि मैकेनिकल RGB के साथ ले लिया, कि अगर थक हार जाओ कभी बैठ सको तो मे भी शायद गेम भी खेलने का उनका मूड हो काम के अलावा, तो ऐसा कुछ RGB ऑप्शन उन्हें भी अच्छा लगा, तो इस कीबोर्ड पे वो आए। और उसके बाद अपना आता है कलरफुल भाई 3060, जो अभी के टाइम पे 30 सीरीज में सबसे सस्ता कार्ड है। जब तक लोगों का बजट RTX सीरीज ने एकदम डिस्टर्ब किया हुआ है, तब तक यही देवता बन के सबको बार रहा है। तो देखते रहिए, ये 3060 कलरफुल बैटल एक्स सीरीज का कार्ड है, अच्छा कार्ड है, मज़ा आएगा काम करने पे। माया 3D एनिमेशन, ऑटो कैड, इन सभी सॉफ्टवेयर्स पे ये अपने अगर रेंडरिंग करना चाहते हैं, एनिमेशन करना चाहते हैं, एडिटिंग करना चाहते हैं, तो कोई भी इशू ना आए उसके लिए अच्छा कार्ड है। अब बजट अलाउ नहीं करता, नहीं तो आदमी पहले जिस प्राइस रेंज में ये आता था उसी प्राइस रेंज में अपना 3070 भी आ जाता था, आदमी 3080 के लिए भी बात कर लेता था 1,00,000 रुपये तक की। आज सब कुछ चेंज हो चुका है, तो टेंशन मत लीजिए, जो पॉकेट अलाउ कर रही है वो यही कर रही है। तो इनकी पूरी बजट कॉस्ट आप जाके देखोगे तो वो नियर अबाउट 165 की आ रही है। 165 में इनको यह पूरी चीज़ पैक करके हमें आज डिलीवर करनी है, यहाँ से निकालना है, क्योंकि पता नहीं भाई लोग कब ये लॉकडाउन इम्प्लीमेंट कर दिया जाए और हम लोग घर में चूहिया बन के बैठ जाएँ। तो उससे पहले जिसका जिसका ऑर्डर है जल्दी जल्दी एग्जीक्यूट कर देना है और आपके पास पहुंचा देना है। तो गाइस वेट करिए, बिल्ड करते हैं, फिर देखते हैं लुक कैसा निकल के आता है और किस तरीके का ये वर्क करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वेलकम अगेन PC सेटअप इंडिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो भाई लोग अपना सिस्टम रेडी है। ये सिस्टम अपूर्व ने हम लोगों को कंपनी से दिलवाया, हैदराबाद की कंपनी, गुजरात से ये सिस्टम हमको मिला। ये सब आप लोगों का प्यार का ही नतीजा है कि जो आज हम लोग यहाँ पे आज पहुँचे हैं। आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा कि जो 2 महीने से हम लोग मेहनत कर रहे थे, आज पहली एक सफलता मिली है कि 1,000 सब्सक्राइबर आप लोगों की वजह से हम लोगों ने अचीव कर लिए हैं। थैंक यू फॉर सपोर्ट, इसी तरीके का सपोर्ट बना के रखिएगा, विश्वास करिए 50,000 भी पहुँचते टाइम नहीं लगेगा, और उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट, टेक्निकल सपोर्ट और नए नए रिव्यूज़ जो आता है वही आपको दिया जाएगा। गलत चीज़ पे कोई बात नहीं की जाएगी, गलत कमिटमेंट कुछ नहीं होगा। फ़ोन पिक ना करना एक मजबूरी है, क्योंकि ऑफलाइन स्टोर, ऑनलाइन स्टोर सब चीज़ें देखनी होती हैं, तो एक इशू आता है। तो गाइस बस ये एक छोटा सा इशू होता है, तो अगर फ़ोन ना पिक हो तो प्लीज़ व्हाट्सएप कर देना, देर सवेर रिप्लाई ज़रूर होगा। जिस तरीके का आगे सपोर्ट किया है, पीछे किया है और अब आगे करना है, उस तरीके से करते रहिएगा गाइस, यही आपसे विनती है। और ये सिस्टम अभिनव का रेडी हो चुका है, विंडो टेस्टिंग के लिए डाली जा रही है, हार्डवेयर का पूरा यूटिलाइजेशन अभी चेक हो जाएगा। तो गाइस आप लुक तो देख सकते हो कि भाई ने जो जो मांगा तो वो कितना पूरा किया हमने। फ्रंट के फैन कैबिनेट खुद देती है, 300 सीरीज की एंटी स्पोर्ट्स की कैबिनेट है। कलरफुल का कार्ड है जो लोगो अपने आप ब्लिंक कर रहा है। डीप कूल का V2 सीरीज का RGB लिक्विड कूलर है, वो भी आपको दिख रहा होगा किस तरीके से प्रॉपर रन कर रहा। और कोर्सियर की 3600 FSB की
RGB रैम। अब ये सब परफॉर्मेंस ना दे तो फिर बेकार है, इतना पैसा भी आदमी लगाए और मज़ा ना आए तो समझ में नहीं आता। तो गाइज़ हम उम्मीद करते हैं कि जो हमसे अच्छे से अच्छा हो सकता था हमने किया है, और अगर कुछ कमी रह गई तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बिना कमी के कभी भी कोई चैनल अप नहीं हो सकता। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वंस अगेन थैंक यू।